नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल इस विशेष में। आज की सुबह में यहाँ पे बात करेंगे HDFC क्रेडिट कार्ड अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो उसका लिमिट कैसे इंक्रीज करेंगे, सारा कुछ हम बताएंगे। वीडियो को लास्ट वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर शुरू करना। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लाया था जिसमें बताया था ये यहाँ पे एक्सिस बैंक का कैसे आप यहाँ पे लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। वो वर्किंग इतना वर्किंग था, 100% वर्किंग यहाँ पे प्रोसेस मैंने बताया था और बहुत लोगों का यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हुआ। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में देख सकते हैं। आप कमेंट वहां पे पढ़ सकते हैं, जितने लोगों का यहां पे इंक्रीज हुआ है सबने यहां पे कमेंट करके बताया है और 100% वर्किंग ट्रिक है। आज की सुबह में यहां पे बात करेंगे HDFC का क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे लिमिट कैसे इंक्रीज करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे 3 से 4 साल से यूज कर रहा हूँ। पहला तो यहाँ पे दो तरीके से आप यहाँ पे लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे बैंक आपको कम से कम 1 साल पे एक ऑफर देती है। जब यहाँ पे HDFC में ऑफर कैसे दिया जाता है, मेरे हिसाब से जैसा मुझे मिला है, 4 साल यूज कर रहा हूँ 4 साल से। देखिए, 1 साल यहाँ पे देखिए, अगर आप 1 साल कंप्लीट होता है तो 2 ऑफर आपको मिल सकता है, एक तो लिमिट इंक्रीज का, दूसरा कार्ड अपग्रेड का। अगर कार्ड अपग्रेड का आपको ऑफर मिल जाता है तो लिमिट इंक्रीज का ऑफर नहीं मिलेगा उस साल, फिर आपको नेक्स्ट ईयर फिर से वेट करना पड़ेगा 1 साल का। ऐसा मेरे साथ हुआ है, या बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चांसेस रहता है कि आपको उसी महीने साल में मतलब लिमिट इंक्रीज करने का भी ऑफर मिल जाए, लेकिन बहुत ही कमी चांसेस में रहता है। तो ये 1 साल पे ही एक ही चीज़ देता है, या तो लिमिट इंक्रीज का या तो यहाँ पे कार्ड अपग्रेड का, मुझे ऐसा ही मिला है तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे कम से कम 4 साल हो गया, तो 2 से 3 बार यहाँ पे लिमिट इंक्रीज का यहाँ पे मिला है और यहाँ पे कार्ड अपग्रेड का मिल गया है। तो ये हो गया, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फिजिकली आप यहाँ पे अपना खुद से ही आप अपना यहाँ पे लिमिट इंक्रीज कर सके। उसके लिए देखिए क्या है जो प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा। वो प्रोसेस से आपका यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बैंक यहाँ पे लिमिट इंक्रीज तब करती है जब ऑफर देती है आपको, तो यहाँ पे तब देती है जब यहाँ पे बैंक को लगता है कि जितना अमाउंट आपको दिया गया है वो अमाउंट यहाँ पे कम है। मतलब आप यूज जैसे करते हैं तो वो यूजेस यहाँ पे उनको लगता है कि कम है, तब उसके ऊपर यहाँ पे लिमिट बढ़ाती है। अगर आपका अमाउंट उतना ही है और लगता है इनकम प्रूफ भी उतना ही है और यहाँ पे यूजेस भी कम है, तब लिमिट इंक्रीज नहीं होता है। तो बैंक आपकी लिमिट को देखती है, आपके इनकम को भी देखती है जब यहाँ पे लिमिट इंक्रीज करना रहेगा। तो देखिए, पहले तो मैंने एक्सिस में ऐसे ही सेम बताया था। एक्सिस में बहुत लोगों का क्या हुआ, जब यहाँ पे रिक्वेस्ट दी यहाँ पे लिमिट इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पे इनकम प्रूफ वगैरह कुछ नहीं लगा। इनकम प्रूफ इसलिए नहीं लगा, जिन लोगों का यहाँ पे इनकम बेस यहाँ पे दिया गया था उस इनकम बेस के हिसाब से अगर लिमिट कम था तो सबका यहाँ पे लिमिट इंक्रीज होगा। किसी का 40,000 से 1 लाख हो गया, किसी का 1.5 लाख हो गया, तो इनकम प्रूफ जैसा दिए रहेंगे अगर कम रहेगा तब जाके यहाँ पे लिमिट इंक्रीज कर रहा था। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा भी हुआ कि इनकम प्रूफ से ज़्यादा यहाँ पे लिमिट था तो उनका यहाँ पे लिमिट इंक्रीज करने के लिए इनकम प्रूफ मांग रहा था। ठीक है, जो इनकम प्रूफ दिए थे उस समय अप्लाई करते समय, उस इनकम प्रूफ के हिसाब से जितना लिमिट देना था बैंक दे दी, और फिर भी आप यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ हमें अभी लिमिट इंक्रीज करना है तो इनकम प्रूफ मांग सकती है। तो HDFC में ऐसा कुछ नहीं है, HDFC में थोड़ा चेंजेस है। HDFC में क्या है, सेम प्रोसेस तो इसमें भी है, लेकिन आपको वहाँ पे देखिए इनकम प्रूफ देना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका क्रेडिट लिमिट, जो आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट यहाँ पे मिला है वो आपके इनकम प्रूफ या आपको लगता है कि कम है, तो आप यहाँ पे लिमिट तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ये 100% वर्किंग प्रोसेस है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ, देखिए HDFC का अगर लिमिट इंक्रीज करना है तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको वहाँ पे एक मेल करना पड़ेगा। मेल है, मेल आईडी आपको वहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको मैं बता दे रहा हूँ, customerservice.cards@hdfcbank.com। इस मेल आईडी पे आपको एक मेल करना होगा लिमिट इंक्रीज करने के लिए, आपको रिक्वेस्ट देना होगा लिमिट इंक्रीज करने के लिए। आपका नाम उम सब कुछ यहाँ पे, जो रिक्वेस्ट यहाँ पे है रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, मेल में रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी से करना, या फिर उसके नीचे ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना, जो रजिस्टर ईमेल मोबाइल नंबर है वो एंटर कर देना। ये सब एंटर करने के बाद आपका रिक्वेस्ट लिया जाएगा, रिक्वेस्ट यहाँ पे एक ऑटो रिप्लाई आएगा, फिर उसके बाद 2 से 3 दिन में आपको एक रिप्लाई उनके तरफ से आएगा। उस रिप्लाई में यहाँ पे आपसे बताया जाएगा कि आपका जो इनकम प्रूफ है उस पे हमने यहाँ पे क्रेडिट लिमिट यहाँ पे दिया है, सही दिया है, लेकिन अगर आपको इंक्रीज करना है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। वो
और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वो लिस्ट में रहेगा, वो लिस्ट में से आपको पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उनको दे सकते हैं, सैलरी स्लिप, ITR, ये दोनों में से जो भी आपके पास है वो दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपका इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है और यहाँ पे लिमिट कम है तभी इंक्रेस होगा, ठीक है। अगर इनकम कम है और लिमिट ज़्यादा है और भी ज़्यादा बढ़ाना है तब नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मेल उनको यहाँ पे इनकम के लिए इनकम प्रूफ मांगेंगे, तो उस पर यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपका पास इतना ये प्रूफ रहेगा तो ये भेज दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक एड्रेस दिया जाता है, उस एड्रेस को आपको यहाँ पे उनको यहाँ पे जो कॉपी है, फिजिकल कॉपी है, सेल्फ अटेस्टेड यहाँ के करके उनको कुरियर करना पड़ता है। वो एक एड्रेस दिया जाता है चेन्नई का, वहाँ पे कुरियर किया जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद जो भी 7-8 दिन जब वहाँ पे पहुँचेगा उसके बाद ही यहाँ पे प्रोसेस होगा, तो 7 से 8 दिन में आपका यहाँ पे लिमिट इंक्रेस होगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में यहाँ पे देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखिए, बहुत लोगों का ये भी यहाँ पे क्वेश्चन था कि भाई मान लीजिए हमने यहाँ पे लिमिट इंक्रेस करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया, डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए वो प्रोसेस जो है, वो रिक्वेस्ट जो है कैंसिल हो गया, तो क्या हमारा यहाँ पे लिमिट इंक्रेस होगा? तो नहीं, ये तो कन्फर्म है कैंसिल हो गया, तो डाउन तो नहीं होगा, मतलब कम तो नहीं होगा, ऐसा भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, डाउन वगैरह नहीं होगा, कम नहीं होगा, जैसा है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपको बढ़ाना है तो इनकम प्रूफ देंगे, सही रहेगा तो इनकम प्रूफ के हिसाब से आपका बढ़ा दिया जाएगा, नहीं सही रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है। ये प्रोसेस है, इतना यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिमिट इंक्रीज करने के लिए बस रिक्वेस्ट दे सकते हैं, लेकिन इनकम प्रूफ रहना चाहिए। इनकम प्रूफ नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज नहीं कर सकते। बहुत बार मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया, मैसेज किया गया कि कैसे यहाँ पे लिमिट इंक्रीज करें, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में यहाँ पे बता दूँ। देखिए बहुत ही ये वर्किंग प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उनको यहाँ पे भेजना पड़ेगा चेन्नई के यहाँ पे ऑफिस में, जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सिस बैंक का बहुत ही अच्छा यहाँ पे सर्विस है, कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लेता है, लेकिन इसमें आपको इनकम प्रूफ देना ही पड़ेगा। अगर लिमिट इंक्रेस करना है तो आपको खुद से करना है तब देना पड़ेगा। अगर ऑफर आता है तब कुछ नहीं देना पड़ता है, लेकिन आपको ऑफर के लिए तब वेट करना पड़ेगा। अगर लिमिट इंक्रीज करना है, ITR वगैरह सही है, तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। एक बात और है, क्रेडिट कार्ड अगर आपके यहाँ पे पास है तो आप यहाँ पे इनकम प्रूफ जैसे देखते हैं, बहुत लोग ITR यहाँ पे रखते हैं, तो ITR अगर दे देंगे ज़्यादा का भी रहेगा, जो यहाँ पे इनकम प्रूफ जो आप देंगे ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए ITR यहाँ पे हाई है, 4 से 5-6 लाख जो भी है, तो लिमिट अगर कम है 30,000 है, 40,000, 50,000 है, तो वो हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन नहीं होता है। लिमिट इंक्रेस के लिए यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होता है। तो इनकम प्रूफ भेज के आप यहाँ पे HDFC के कार्ड का यहाँ पे लिमिट इंक्रेस कर सकते हैं। जो प्रोसेस था मैंने यहाँ पे बता दिया, आप इनको मेल करके एक बार रिक्वेस्ट भेजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिकल कॉपी पे अटेस्टेज यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेज करिए, सिग्नेचर वगैरह करके कुरियर कर दीजिए जो भी एड्रेस यहाँ पे दिया जाता है। वो एड्रेस पे कुरियर करने के बाद आपको यहाँ पे जब यहाँ पे पहुँच जाएगा उसके बाद यहाँ पे 7 से 8 दिन का यहाँ पे प्रोसेस रहता है, उसके बाद आपका लिमिट इंक्रेस हो जाएगा। तो देखिए प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया, आप एक बार ट्राई करके यहाँ पे देखिए, और कुछ भी यहाँ पे दिक्कत आता है तो इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मुझे मैसेज करके वहाँ से भी पूछ सकते हैं, जो भी डाउट आपका रहेगा। तो सारा कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया, अगर कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी यहाँ पे पूछना रहे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।